नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल मैसेज इन परफेक्शनिस्ट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बनाए हुए कुछ DIY होम डेकोर जो मैंने अपने चाइल्ड के 6th बर्थडे पर बनाए। जैसा कि किसी भी स्पेशल ओकेजन पे मैं अपना पर्सनल टच देने के लिए कुछ न कुछ डेकोरेशन खुद से करना पसंद करती हूँ, तो इस बार भी मैंने अपने बेटे के 6th बर्थडे पर कुछ DIY बनाए हैं। क्योंकि इस बार सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि बाहर से कोई भी डेकोरेशन किया जाए। इसके 5th बर्थडे पर भी मैंने बिग बर्थडे नंबर 5 बनाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आई बटन में भी है, आप प्लीज़ उसे जाके चेक कीजिएगा। वो काफ़ी डिटेल वीडियो है एंड आई होप आपको वो पसंद आएगा। सो इस बार जो भी डेकोरेशंस मैंने की उसको मैंने 2 वीडियो में डिवाइड कर दिया है। सो इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने कैसे बिग बर्थडे नंबर 6 बनाया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। And before moving ahead, please subscribe to my channel if you haven't done yet and share it with your friends and family. So let's start. तो इस बार का बर्थडे नंबर 6 बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक रफ पेज पर नंबर 6 को ट्रेस करके कट कर लिया और अब उसे मैं कार्डबोर्ड पर ट्रेस करके कट करूँगी। इसे मैंने पेपर कटर की हेल्प से कट किया है। गाइज, इस बात का ध्यान रखना जब भी आप पेपर कटर को यूज़ करें इसे बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो मेक श्योर कि आपका अच्छा होल बना हो पेपर कटर पे ताकि आपको कटते वक्त कोई भी चोट लगने की गुंजाइश ना रहे। और इस तरह से नंबर 6 का एक कटआउट तैयार हो गया है। बट इस बार का जो मेरा कार्डबोर्ड था वो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं था, वो एक जगह से मुड़ा हुआ भी था, तो मुझे इसको थोड़ा सा स्ट्रांग करने के लिए ताकि मेरी डिज़ाइन का वेट होल्ड कर सके एक और नंबर 6 कट करना पड़ा और उसे फिर मैंने ग्लू की मदद से एक दूसरे के ऊपर चिपका लिया। तो ये मेरा एक बेसिक 6 का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। इसके बाद इस नंबर 6 को कवर करने के लिए मैंने इस बार ब्लैक पेंट की जगह सोचा कि जो मेरे पास एक ब्लैक चार्ट पेपर रखा हुआ है मैं उसे यूज़ करके इसे कवर कर लेती हूँ। बट यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी, मैंने नंबर 6 को सीधा सीधा ब्लैक पेपर के ऊपर रख दिया और उसे कट करने लगी। देन आई रियलाइज कि इस तरह से अगर मैं 6 को रखूँगी तो जो मेरा राइट साइड है 6 का वो कवर ना होके बैकग्राउंड पूरा कवर हो जाएगा और फ्रंट साइड से इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। एंड देन आई करेक्टेड माई मिस्टेक, मैंने इसे उल्टा रखा और उसके बाद छोटे छोटे स्लिट्स लगा के 6 को कवर कर दिया। इसका पर्पज़ ये था कि एक बैकग्राउंड मिल जाए मेरे नंबर 6 को और उसके साइड्स भी कवर हो जाएं और कार्डबोर्ड ना दिखे। तो अब मैं बनाऊंगी कुछ फ्लावर्स जिन्हें हमें इसमें स्टिक करना है। तो उसके लिए मैंने 2 कलर्स लिए हैं, 1 इज फ्लोरेसेंट येलो एंड अदर इज फ्लोरेसेंट पिंक। इसके लिए मैंने एक स्क्वायर शीट ली है और उसमें सेंटर से एक स्पाइरल ड्रॉ कर लिया है। अब इसको कट करेंगे बाहर से अंदर की तरफ और आप चाहें तो पेंसिल के मार्क्स को हल्का करने के लिए थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं और अगर ज़रूरत हो तो कटिंग के टाइम पे हम अपने स्पाइरल को करेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्लावर बनाने के लिए इसे बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से रोल करेंगे। Now you can see the how beautiful the flower has turned out. इसके बाद इसे हम एंड में ग्लू की मदद से स्टिक कर लेंगे एंड वन ऑफ माई फ्लावर इज रेडी। अब मैं नेक्स्ट फ्लावर बनाऊंगी, इसमें मैं थोड़ा सा वेरिएशन करूंगी। जब मैं पहला फ्लावर बना रही थी तो आई नोटिस्ड कि शायद पेंसिल के मार्क्स दिखें ना, तो तभी मुझे आइडिया आया कि अगर मैं वाकई में इन्हें दिखाना चाहूँ लाइक किसी दूसरे कलर से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ और उसकी हल्की सी शेडिंग ऊपर से दिखे तो वो कैसी लगेगी। तो इसके लिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि दिस टाइम मैंने उसको स्केच पेन से ड्रॉ कर लिया और द सेम वे से कट कर लिया। अब देखिए मैं इसे रोल कर रही हूँ और अब देखते हैं ये फ्लावर कैसा लगेगा। और ये बनके तैयार हो गया है दूसरा फ्लावर।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें हल्की सी शेडिंग आई है। जिस डार्क कलर से मैंने लाइन को बनाया था स्पायरल की, उसकी हल्की सी शेडिंग आई है, तो मुझे ये फ्लावर अच्छा लगा तो मैंने आधे फ्लावर्स इस तरह से बना लिए। अब सिमिलरली आप देख सकते हैं कि मैं पिंक कलर का फ्लावर बना रही हूँ विद द सेम प्रोसेस। इसमें मैं पेंसिल के मार्क्स बीच में मिटा रही थी, आई वॉज बींग वेरी कॉन्शियस, बट इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अनइवन भी चलता है, सारे फ्लावर्स एक तरह के, एक साइज़ और डिज़ाइन के तो नहीं होते हैं। तो ये देखिए, पिंक में मैंने जो स्केच पेन का टिंट दिया था उसे इस तरह का फ्लावर बनाया। आई रियली लाइक इट। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू लाइक द फ्लावर इन द कमेंट सेक्शन। और ये रहे मेरे ढेर सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स, आई मीन दो रंग के फ्लावर्स, पिंक एंड येलो। इसमें काफ़ी टाइम और मेहनत तो लगी, बट आई वॉज रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिजल्ट। सी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल नॉर एम आई अ परफेक्शनिस्ट, सो मेरा जो भी क्राफ्ट का काम होता है वो ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस ही होता है, बट आई ट्राई टू पुट माई होल एफर्ट सो दैट इट टर्न्स आउट लिटिल बेटर देन द प्रीवियस वन। बट अपने आप कोई भी क्राफ्ट बनाना और अपनों के लिए बनाना बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। तो इस तरह से सारे फ्लावर्स रेडी हो गए हैं और अब हमें डिसाइड करना है कि हमें अपने सिक्स पर इसे कैसे प्लेस करना है। तो आप मल्टीपल अरेंजमेंट करके देख सकते हैं कि कौन सा आपको सूट कर रहा है। तो मैंने इस तरह से इनको अब लगाना शुरू कर दिया है। जो आउटर लाइन है उसमें मैंने पिंक लगाए हैं और इनर लाइन में मैंने येलो लगाए हैं। तो आप ये पूरी प्रोसेस देख सकते हैं कि ये बन के कैसा लगेगा। जो नंबर सिक्स है इनको मैंने फेविकॉल से सिंपली स्टिक कर दिया है और देखते हैं कैसा लगता है बनने के बाद। गाइस, ये बनाने में वाकई काफ़ी टाइम लगा है, मेहनत भी लगी है, बट खुशी भी होती है जब कोई चीज़ अच्छी बन के आती है। तो आप देख सकते हैं ये फ्लावर से भरा हुआ नंबर सिक्स जो मैंने अपने प्यारे बच्चे के लिए बनाया है ऑन हिज बर्थडे, ये कैसा लग रहा है। इस बार कुछ और डेकोरेशन भी मैंने करी हैं जो मेरे इस वीडियो के इमीडिएटली बाद आएगा, सेकेंड पार्ट ऑफ द डेकोरेशन वीडियो में, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और मेरे लास्ट ईयर के डेकोरेशन वीडियो को जिसमें मैंने नंबर 5 बनाया था उसे भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक देना और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन डन येट। और अपना कॉमेंट, जो भी ऑनेस्ट फीडबैक होगा वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस डेकोरेशन वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।